पाने का। ओम तत्सत इस तीन मंत्र के नाम का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल फैसला, डायरेक्शन और कुछ नहीं। ओम तो ब्रह्म का है, तत् ये परब्रह्म का है और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है, लेकिन तत् और सत ये सांकेतिक हैं, ये दास बताओगा। इसके अतिरिक्त इस पृथ्वी पर इन इस वेद को कोई नहीं जानता। और मुझ दास से प्राप्त करके ये तीनों मंत्र कोई नीच व्यक्ति स्वयं दान करता है, देता है, तो वो दुश्मन है परमात्मा का और साथ में उन पुण्यात्माओं का जिनको भ्रमित कर रहा है, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। वो सबसे बड़ा काल का दूत है, क्योंकि उसने ये भेद चुरा लिया और वो जीवों को भ्रमित कर सकता है। तो इस प्रकार गीता जी बताया कि नथिंग एल्स, ओनली एक मंत्र है ये, अपने मन मर्जी हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे। अब श्याम मिलन में राधे की सिफारिश की जरूरत पड़गी तो फिर चाल लिया काम, राधे ने श्याम कोई सा भी को नहीं। तो हमारे सदग्रंथों को हमने पूर्ण फिर देखना होगा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्रों का जाप करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं अनुष्ठान करते हैं, उनको न तो सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। तो 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में तुरंत कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए ये कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी के बहकावे मत आना, कोई एंड बैंड बोल रहा है, उवा वाई बकता हो, कोई मंत्र जाप कर लो उसी से लाभ हो जाएगा, कहते उसकी मत मानना। जो संत होगा शास्त्र अनुसार साधना देगा, ये पहचान ये भी है उसकी। कई क्या देते हैं, गीता जी में पढ़ लिया हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, अरे तरह के जो वही हो, ये तो गुप्त है। जैसे बादाम खाना हो और न्यों का न्यों चाबन लाग जाए उसने, तो गिरी अलग है, वो गुप्त है। कहते नहीं नाम बिना कारण सरता, और दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेड़ करे तो सब लड़ता। इन्हें तो संत महात्मा समझते हो, और जरा से इनसे विचार विमर्श करके देख ले। अरे एक बनो कह दे ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी विष्णु जी नाशवान है, लठ बजा दे एक मिनट में, लड़ पड़े, क्योंकि इन्हें ज्ञान तो है नहीं। और फिर वो गीता जी में लिखे आप 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की रूपी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा भी ना करते है। तो वो फिर गीता जी का वचन झूठा थोड़ा ही हो सकता है। एक बार कुंभ का मेला भरा था और ये तीनों गुणों के पुजारी रजगुण ब्रह्मा जी के, सतगुण विष्णु जी के, तमगुण शिव जी रजगुण विष्णु जी के वहाँ इकट्ठे हो गए, गिरिपुरी नाथ नागा औगढ़ और वैष्णो, गंगा का वहाँ पर के पर भी लगनी थी कुंभ के मेले की, और अर्की पैड़ियाँ पर स्नान के ऊपर झगड़ा हो गया। नागा कहते हैं नागा बिल्कुल नंगे रहते हैं, नहाते धोते कती नहीं, गोरी टाइप होते हैं। वह नान लाग गए, पहले पहुँच गए पैड़ियाँ पर, खड़े हो गए हजारों, कोई हजार की संख्या में ग्रुप के ग्रुप होते हैं वहाँ पर, पूरी अलग गिरी अलग नागा अलग नाथ अलग कनपाड़े अलग वैष्णो विष्णु जी के उपास सतोगुण के वह न्यारे के वैष्णो साधुओं ने सतोगुण विष्णु के पुजारियों ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि तुम पहले नहीं नहाओगे, हम श्रेष्ठ हैं, विष्णु जी के उपासक हम नहाएंगे, हम स्नान करेंगे। इस बात पर गुट बाज गया, नाना तो गए भूल, भगवान भी दूर, गुट्टम गुट्टा एक तलवार निकाल ली, एक दूसरे का छुर्रा कटारी घोंप दें, तलवार ते शीश काट दे। तो सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी में कहा कि तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वाजा कर चलावे हैं, और काटे शीश नहीं दिल करुणा। ये जग में साधक आवे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। तो यहाँ कहते हैं दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेड़ करे तें सब लड़ता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता है। कहते ही ऊपर का बाहरी जो लोग दिखावा आडंबर तुमने कर रखा, बड़ी बड़ी जटा रखा ली,
दाढ़ी रखा ली, चमटा ले लिया, या कति मूंड मुड़ा लिया, घोटम घोट हो गया, लाल कपड़े गाड़ कर चल पड़ा नू। कहते ये चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए जिनके पास सत भक्ति नहीं है, इनसे यम के दूत नहीं डरते। ये चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। दयावंत विवेक भये ज्ञानी, टुक छेड़ करे तें सब लड़ता। तू कौन कहां से आन फंजा, देखो आगे बिराणी क्यों जलता। समझे नहीं सोख सूद्र गैले, बड़े भूत भये जो पिंड भरता। फिर भूतों के ऊपर कहते वो भूत बन गए तेरे बड़े, अब उन तू के समाधान देना चाहता है, क्योंकि अब इस समय रहते हुए तुम सतभक्ति करोगे तो उनका मोक्ष हो जाए, आपका मोक्ष होगा। और ये पिंड भरता अंडे है इन भ्रमित किए हुए व्यक्तियों के द्वारा, ये सब साधनाएं मूर्खता की हैं। भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, भूत रमै सो भूत है, देव रमै सो देव, राम रमै सो राम है, और सुनो सकल सुर भेव। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 25 में कहा कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर बन जाते हैं, पितरों के पास चले जाते हैं। पितरों के श्राद्ध निकालना, भूतों की श्राद्ध निकालना, और भूत पूजते हैं वो भूतों में प्रवेश हो जाते हैं, भूतों को प्राप्त होते हैं। तो ये साधना करनी नहीं चाहिए। जब गीता जी कहने लग रही भूत पूजनीय भूत बनेंगे, भूतों को प्राप्त हो गए, आप गीता जी मना करती है और हम उसको कर रहे हैं, तो क्यों करें? जो पता है कि कुएं में गिरेंगे, फिर उस रस्ते पर क्यों जावे हम? मुक्त होने का भेद कहूं, चल चोर सुहंग मजित ढूरता। के दास गरीब निवास सदा, जहां नाद अखंड अजब गुरता। अब गरीबदास जी कहते हैं कबीर परमात्मा के उस लोक सतलोक में वो अखंड धुन होती रहती है। यहाँ काल ने इस पिंड में शरीर में भी एक नकली धुन पैदा कर रखी है, और नकली अलख लोक अगमलोक अनामी लोक की रचना इस ब्रह्मांड में कर रखी है। उस ब्रह्मांड का प्रतिबिंब पिंड में है, और सतलोक जो है सतलोक की धुन इस अंड और पिंड से पारसो देश हमारा है। गरीबदास जी कहते कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। ये काल की धुन सुन ले, धुन सुन ले अंड और पिंड में। ये तो काल का ही जो कुछ भी ढमढमा इसी का सुनाई देता, इसी का प्रकाश, इसी की व्यवस्था है। वो सतलोक की व्यवस्था तो इस अंड और पिंड से, अंड ये ब्रह्मांड को कहते हैं, अंडाकार है ये, और इस ब्रह्मांड का इस टीवी रूपी शरीर के चैनलों में सब व्यवस्था विजिबल है। जैसे टीवी में चैनल होते हैं, ऐसे शरीर के अंदर हमारे बैकबोन के अंदर की तरफ ये कमल बने हुए हैं। मूल कमल, स्वाद चक्र, ब्रह्मा जी और सावित्री, मूल कमल में गणेश जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती, कंठ कमल में या पीछे को या दुर्गा जी, और सहस्रार कमल में या ये काल है। बस इसमें यही व्यवस्था है। जैसे टीवी जिसका ऑन है चैनल, उसके ठीक काम कर रहे हैं, तो जिस चैनल को ऑन करोगे उस चैनल पर जहाँ भी कोई कार्यक्रम, कहीं देश विदेश की खबरें, जो कुछ भी हो रहा आप उस पर देख सकते हो। ऐसे ही ये टीवी एक चैनल है हमारा शरीर, इसमें इस ब्रह्मांड के ही में जो कुछ भी हो रहा हुआ सुन सकते हैं और देख सकते हैं। वो सचखंड वो सतलोक तो इस अंड और पिंड के पारसो देश हमारा है। वहाँ वो अखंड धुन, जहाँ अखंड नाद अजब घुरता, जहाँ सतलोक के अंदर वो अखंड धुन हो रही है, कहती वहाँ चलो, तुम्हें ले चलते हैं, सदा सुखी हो जाओगे। बोलो सतगुरुदेव।